वैसे साल के वो 10 दिन यही है जब गणपति बाप्पा हमसे मिलने आते हैं, हमारे घर पधारते हैं। तो क्यों ना आप भी इस साल बप्पा के लिए मोदक बनाओ अपने हाथों से अपने घर पे, अग्रवाल स्वीट्स का नहीं। मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट्स। Either grate it the old school way or the new school way, whichever suits you. वैसे I'm a fan of this new school way, हाँ, काफी इजी कर देता है। मोदक की जो स्टफिंग है वो आपको बना लेना है बाय रोस्टिंग जैगरी यानी कि गुड़ एंड कोकोनट टुगेदर। सो देयर गोज आर 2 tablespoons ऑफ घी एंड उसमें 1 tablespoon पॉपी सीड्स। वंस इट क्रैकल्स एड द 2 cups ऑफ कोकोनट दैट वी हैड टेकन। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर भून लीजिए। तुरंत बाद 1 cup गुड़। अब यहाँ पे मेहनत थोड़ी कम करने के लिए आप ना गुड़ को चॉप करके डालिए। मेरी तरह सॉलिड्स डालेंगे तो आप गुड़ को तोड़ते मरोड़ते रह जाएंगे। बट आई लव माई स्टफिंग टू बी रोस्टेड ब्राउन। स्वीटनेस को एनहांस करने के लिए 1 teaspoon शुगर एंड हर मीठी चीज में 1 pinch नमक। थोड़ा स्टर कर लेंगे जब तक हमें ये टेक्सचर नहीं मिल जाता। अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स, हाँ, किसमिस से लेके पिस्ता तक 1 teaspoon डालेंगे इलायची पाउडर जस्ट टू इंडियनाइज द टेस्ट। एंड जायफल 1/4 teaspoon ग्रेट करके डालना, इट विल राउंड अप द टेस्ट वेल। अब मोदक की कवरिंग बनाने के लिए 1 कढ़ाई में 1 cup पानी एंड 1 cup डाइल्यूटेड कंडेंस मिल्क। इसमें अब जाएगा हमारा 1.5 चम्मच घी। इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे एक स्लाइट बॉयल आने तक पकाएंगे एंड फिर इसमें जाएगा हमारा राइस फ्लावर एंड सूजी का मिक्सचर। 2 cup राइस फ्लावर एंड जस्ट 1 चम्मच सूजी फॉर द बाइंडिंग। स्टर करने पे हमारा फ्लावर विल स्टार्ट सोकिंग इन मॉइस्चर एंड विल बिकम समवट स्टिकी एंड पाउडरी इन नेचर। 1/2 teaspoon जायफल, गैस बंद एंड स्टार्ट करते हैं जी हमारा सबसे मुश्किल काम। तो घी डाल के प्रारंभ करेंगे गूंदने की प्रक्रिया। इसको अच्छे से अपने पाम से नीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मोदक टू कम आउट गुड। अगर डो थोड़ा ड्राई होने लगे यू कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल और घी टू नीड इट फर्दर। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ना ही आपके हाथ पे स्टिक होना चाहिए और ना कढ़ाई पे। इस टाइम आप एक इसका गोला बना लीजिए। अब और ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा आपको, सेकेंड लास्ट स्टेप है बस। एक मोदक मोल्ड लीजिए एंड इसके अंदर घी लगा लीजिए। आफ्टर दैट डो का एक पीस लेके इसके अंदर डालिए, नीचे की तरफ पुश कीजिए सो दैट मोदक का टॉप पोर्शन बनने लगे। फिर एक छोटा पीस लेके इसके साइड्स की तरफ लगाइए एंड साइड्स की तरफ ही पुश कीजिए। अंदर एक कैविटी बनाइए, कैविटी बनाने की कोशिश कीजिए एंड मोदक बाहर से अपना शेप लेता रहेगा जैसे आप पुश करेंगे इसे साइड्स की तरफ नीचे की तरफ। फिर अपनी श्रद्धा से जितनी स्टफिंग हो सके गणपति बप्पा का नाम लेके डाल दीजिए एंड एक छोटे पीस ऑफ डो से इसके नीचे की तरफ एक लेयर बना दीजिए, सील कर दीजिए सो दैट द स्टफिंग डजंट कम आउट। अनमोल्ड करने पर एक खूबसूरत सा मोदक आपके हाथ में मिल जाएगा। क्यों है ना मजेदार। कमिंग टू द लास्ट स्टेप, एक उबलता हुआ स्टीमर लेना है एंड इसके बॉटम सरफेस को घी या ऑयल से ग्रीस करने के बाद अंदर जाएंगे इसके हमारे शानदार मोदक। अब हमारे मोदक को 15 मिनट स्टीम करने के उस पार हम मिलेंगे इन मोदकों से जो है पूरे तैयार।